आदर आभार अभिनंदन नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं BHU स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी फी जमा कर दिया है हॉस्टल अलोकेशन में, हॉस्टल की फी जमा कर दी है और अभी तक उन्होंने हॉस्टल अलॉट मतलब बनारस यूनिवर्सिटी में आकर नहीं कराया है, उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे मुझे कि सर हमारा हॉस्टल फी पे हो गया है, हम कब जाए वहाँ पे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने हॉस्टल फी पेमेंट कर दिया है, देखिए हॉस्टल अलोकेशन का ऑप्शन तो सभी में आ रहा होगा, वो कोर्स अलॉटमेंट के बाद में जो आइकन दिए हुए हैं ब्लू ब्लू कलर के, सबसे लास्ट में हॉस्टल अलॉटमेंट वाला होगा, तो आप तो सभी पे रहा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका खुल रहा होगा, क्योंकि हॉस्टल की सीटें सीमित हैं और वो चीज़ तो सबके लिए जारी किया गया है, लेकिन सब उस पर फी हॉस्टल फी पेमेंट करने के लिए वो नहीं हो पाएंगे, मतलब सबका खुलेगा नहीं। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं। जिन लोगों को भी हॉस्टल मिला बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मिला कोई बात नहीं, जैसे मर्जी भी आप अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और भी व्यवस्थाएं हैं जो बनारस यूनिवर्सिटी में आप रह के बाहर रह के भी पढ़ सकते हैं, सारी सुविधाओं का लुफ्त उठा सकते हैं एक्सेप्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिन लड़के लड़कियों जिन्होंने भी फ़ी पेमेंट कर दिया है, तो उनसे ये गुजारिश है कि आपका जो भी हॉस्टल अलॉट हुआ है अभी, उस हॉस्टल में जल्दी से जल्दी जाएँ, अपना कमरा और जो भी डोजियर फॉर्म वगैरह और फी रिसिप्ट की कॉपी वगैरह दे के हॉस्टल अलॉटमेंट मतलब हॉस्टल रूम अलॉट एक्चुअली आपको जो करवाना है वो जल्दी से करवा लीजिए। इसलिए क्योंकि जो भी अच्छे रूम्स हैं, अच्छे कमरे हैं, उसके लिए अभी आप जल्दी से जाएंगे तो पता चलेगा, आप देख सकते हैं, फिर आप जल्दी से अलॉट करवा सकते हैं, लेकिन नहीं तो बाद में जाएंगे तो जो कमरे बचे होंगे वही आपको मिल पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे चले जाइए, आप हॉस्टल अलॉटमेंट करवा लीजिए, अपना रूम अलॉट करवाइए, पर्टिकुलरली अपने सारे दस्तावेज लेकर जाइएगा जो आपके फी रिसिप्ट की कॉपी है, इसके अलावा हॉस्टल अलॉटमेंट वाला उसका भी फी रिसिप्ट एडमिट कार्ड जरूर मिला होगा आपको, तो भी प्रिंट आउट निकलवा के जाइएगा, और उसके अलावा डोजियर फॉर्म वो तो आपको वहीं पर मिल जाएगा, उसकी फोटोकॉपी करवा ले सकते हैं आप, डोजियर फॉर्म जिसमें आपके पूरे बायोडाटाज होंगे, सब कुछ होगा, सारी इन्फॉर्मेशन होगी वगैरह वगैरह, फोटो जरूर आप पासपोर्ट साइज़ लेके जाइएगा, कम से कम 4 से 5 जो वहाँ पे ज़रूरत होंगी आपकी। तो ये तो हॉस्टल प्रोसीजर था। जिन लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है और उनके रैंक मतलब काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें भी किसी को नहीं मिला होगा, इन द सेंस कि 150 और उसके करीब 180 के करीब भी, तो देखिए होता ऐसा है कि हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो है ये मतलब फर्स्ट अलॉटमेंट सेकंड अलॉटमेंट इस तरीके से होता रहता है। तो फर्स्ट अलॉटमेंट में जिन लोगों को भी हॉस्टल अलॉट हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं हुआ है और जिनका रैंक अच्छा है तो घबराए ना। देखिए एक महीने में या 1.5 मंथ्स के बाद दूसरी अलॉटमेंट दूसरी हॉस्टल की लिस्ट निकलेगी, उसमें शायद आपके नाम आ जाएँ, वो करीब 10-10, 15-15 करके ऐसे भी, लड़के के भी लड़कियों को भी। तो अभी फिलहाल अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला है तो आप बाहर व्यवस्था करके रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे जल्दी से जाके पढ़ाई कोर्स लगभग अभी 25 तारीख से शुरू होने वाले हैं, सारे कोर्सेज की पढ़ाई लगभग 25 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो आप जल्द से जल्द वहाँ पे जाके ये काम कर लीजिए। लड़कों के लिए देखिए मतलब बेसिकली ये लड़कों के लिए प्रोविज़न है कि अगर आपको कोई अलॉटमेंट हुआ है, जैसे बिरला ए हुआ है और अगर आप लाल बहादुर शास्त्री में रहना चाहते हैं या लाल बहादुर शास्त्री हुआ है बिरला ए में रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर कि पहले तो हॉस्टल अलॉटमेंट करवा लीजिए आप। हॉस्टल अलॉटमेंट करवाने के बाद आप म्यूचुअल एक्सचेंज करके मतलब एक लड़का उधर से आप उठाइए जो आपका कोई सहपाठी हो जो एक्सचेंज करना चाहता हो आपसे हॉस्टल, तो उसकी सहमति से दोनों एप्लीकेशन लिखेंगे, वो फॉरवर्ड होगा वार्डन के बाद डीन से, और इसके बाद ये प्रक्रिया चलेगी और फिर आपका प्रॉपर हॉस्टल एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी हॉस्टल है सारे अच्छे हॉस्टल्स हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ सेम है, अच्छे कमरे हैं रहने के लिए, आप रह के प्रॉपर फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं बनारस यूनिवर्सिटी में जितनी भी सारी हैं। ऑलराइट, इसके बाद क्या है कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं हॉस्टल में, मेस फी जैसे आपको मैं पहले से सूचित कर दूं कि जो भी बीए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहली डीडी जो है 13,110 रुपये की डिमांड ड्राफ्ट इस साल से उसको क्या किया गया, पहले पिछले साल तक डिमांड ड्राफ्ट था, तो इसके बाद आप इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए ताकि आप हॉस्टल के अकाउंट में इतने पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकें, जिससे आपके महीने महीने पैसे कटते रहेंगे और उन्हें मिलता रहेगा जो मेस महाराज होंगे, मतलब आपके मेस बिल ये जाता रहेगा। तो ये थे हॉस्टल अलॉटमेंट का पूरा प्रोसीजर, आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, जिन लोगों को अलॉट हो गया और जाके अपना कमरा अलॉट करवा सकते हैं, अभी से रह सकते हैं, अगर क्लासेस स्टार्ट होने में 1-2 हफ्ते भी समय है तो भी आप रह सकते हैं, रह सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके आप शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी भला हो जाए।
एंड अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी जानकारी हम लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए मददगार साबित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।